नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। आईपीएल 2021 को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। कब तक के लिए किया गया है ये फिलहाल तय नहीं है। जब तक कोरोना के केसेस कम नहीं होते हैं या फिर बीसीसीआई कोई दूसरा विकल्प नहीं ढूंढ लेता, तब तक आईपीएल के आयोजन को आप भूल जाइए। कोई भी मैच नहीं होगा। आईपीएल के सस्पेंड होने की वजह से फैंस को नुकसान हुआ है। अब शाम में मुकाबले नहीं देख पाएंगे, मनोरंजन नहीं हो पाएगा। खाली वक्त में फैंस को दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। पर अगर आप बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी के आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो पता चलता है कि इस बार हजारों करोड़ का नुकसान बीसीसीआई झेलने वाला है। यानी कोरोना की वजह से बीसीसीआई के जेब पर इसका असर देखने को मिलेगा। 29 मैचों के बाद रोके गए आईपीएल के हिसाब से बीसीसीआई को लगभग 2000 करोड़ का नुकसान इस बार बीसीसीआई के जेब पर उसका असर देखने को मिलेगा। भारतीय बोर्ड को जो स्पॉन्सर मिले थे उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ऐसे में अब टूर्नामेंट सस्पेंड होने पर करार खत्म हो सकता है। इसके चलते बीसीसीआई की कमाई पर साफ असर देखने को मिलेगा। डफ एंड फिलिप्स की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में आईपीएल के वैल्यू 47,500 करोड़ रुपए की थी, जो पिछले साल घटकर 45,800 करोड़ रुपयों की हो गई। अब की बार भी इसमें और गिरावट आने की आशंका है। ब्रांड वैल्यू गिरने से बीसीसीआई को स्पॉन्सर सस्ते दामों में मिलते हैं, जैसे कि साल 2020 में देखने को मिला था। वीवो के आईपीएल से हटने पर ड्रीम इलेवन आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बना था, जहां वीवो से सालाना बीसीसीआई को 440 करोड़ रुपए मिलते थे। वहीं ड्रीम इलेवन ने महज 222 करोड़ रुपए खर्च कर टाइटल स्पॉन्सर का हक अपने नाम किया था। इतना ही नहीं, खिलाड़ियों की जेबों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। खिलाड़ियों की सैलरी में भी कटौती संभव है। खिलाड़ियों को अनुपात की जगह समय के हिसाब से राशि का भुगतान किया जाएगा। खिलाड़ी ने अगर खुद को टूर्नामेंट के एक हिस्से के लिए उपलब्ध रखा है तो वेतन अनुपात के हिसाब से होगा। इसका मतलब है कि खिलाड़ी ने जितने मैच खेले हैं उसके उतने ही पैसे मिलेंगे। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।